रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ये चांद रात की आवाज़ से राशन बाटी, जो जिसे ज़रूरतमंद है इसकी आवाज़ से राशन बाटी हमें। अरे ज़रूरतमंद है कैसे है, उनको आइडेंटिफाई किया है क्या? आप भी वोट के लिए जैसा आधार कार्ड मांगते हैं या कुछ और मांगते हैं, इसी तरह आप भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको? हमें आइडेंटिफाई के लिए कुछ भी आदमियों को जमा को नहीं है बार, हमें अभी इलेक्शन के वास्ते खड़ने के वास्ते अभी हमें आदमियों को राशन दे रही नहीं, हम ना उनका वोट की ज़रूरत है, हमें उनको राशन नहीं दे रही, हमें एक इंसानियत के वास्ते राशन दे रही इसलिए, जो चांद रात के वास्ते जो मजबूर है इंसान, आज जो COVID-19 का मसला जो चल रहा है इसके अंदर जो आदमियाँ मर रही, वैसे आज भूख से भी आदमी मर रहा है आज, वो वास्ते आज हमें हमारी पूरी कर्नाटक युवा जमीतुल खुरैश की जितनी भी एसोसिएशन की जो भी मेम्बराना ही उन्होंने मिलकर ये काम करने के वास्ते सोचे सो क्या कहते हो, जिसे ज़रूरत है हमारी बिरादरी के भी आदमियाँ इसमें ही, इसमें हिंदू भी ही, इसमें हर मजहब का आदमी है, उनको हर आदमी को देखो, जिसे ज़रूरतमंद है उसे देखो ही सो। वही ये सब दे जो दे रहे हैं आप, वोट के लिए दे रहे हैं या सियासत करने दे रहे हैं? अब मैं वश न बोलूं, जो इंसान आधार कार्ड लेता है, जो इंसान अपने मोहल्ले के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो देखकर इन्हें हमारा आदमी इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी उसे देख को देने वाला उन्हें वोटर, उन्हें भी कहीं को ले रहा है राशन, उन्हें चुपके नहीं ले रहा राशन, उन्हें भी उसे वोट डाल रहा है, उन्हें उसे वोट दे रहा, उसे उसे क्या भी टैली नहीं है, जरूरत पर उन्हें उसे वोट दे रहा है, उन्हें जरूरत पर उसे राशन दे रहा है, उससे क्या भी ताल्लुकात नहीं है। आज हमें जो दे रही है हमारा एसोसिएशन जो दे रहा है ये जरूरतमंद नाम दे रहा है सो। हमारा नौजवान कमेटी के जो आदमियाँ हैं जो बेरोजगार होगी उनको भी देखो ही हमें, लेकिन हमने आज क्या है, हमारी बिरादरी का नहीं है मसला ये, वो जो बिरादरी का जो हमारी रोजी ख़त्म करी ये सब जो करी वो अल्लाह इंशाल्लाह हमें उसके वास्ते फाइट कर ले को चाहिए हमारी, हमें उसके ऊपर कंटिन्यू ही इंशाल्लाह देखेंगे वो हमारे रोजी के वास्ते। लेकिन आज जो माहौल है COVID-19 का, इसमें आदमी बहुत परेशान है, लॉकडाउन के मसले में, रोजियां के मसले में, इसके वास्ते हमें आज आशन तस्लीम करी। तो क्या कहना चाहेंगे आवाम को, अभी ईद आने वाली है, ईद उल फितर आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे नौजवान कमेटी से एक आगाजी देती है हमें, हर इंसान को COVID-19 को समझो, और COVID-19 के बारे में जो लॉकडाउन के बारे में जितना भी इन्हों हमारी हुकूमत से जो आर्डर देखो ही उनको भी फॉलो करो, और आदमियों को ज़्यादा जमा कर खड़ो न को, मास्क डाल कर चलो, और घरों में ज़्यादा तरीके से रहो, और इंशाल्लाह रिक्स देने वाला अल्लाह, तुम्हें घर में बैठे तो भी रिक्स देला को पहुँचाता अल्लाह, लेकिन क्या भी घबरे होने को इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे घर तक रिक्स पहुँचाता है।